फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूँ सोनिया शर्मा। जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो क्यों ना सर्दी में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जाए। तो आज हम बनाएंगे हमारी दिल्ली के फेमस राम लड्डू, जिसे मूंग की दाल के पकौड़े भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। राम लड्डू बनाने के लिए लेंगे हम सबसे पहले दाल, जिसके लिए ली है मैंने 1 कप धुली हुई मूंग दाल और 1/4 कप चना दाल। आप जितनी भी मूंग दाल ले उसका 1/4 कप चना दाल ले लें। अब इस दाल को 2 से 3 बार तक अच्छे से धो लेंगे। दाल को अच्छे से धोने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। तीन से चार घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दाल हमें ज़्यादा देर तक भिगो के नहीं रखनी है। अगर दाल ज़्यादा देर तक भीगी रह गई तो दाल ज़्यादा पानी पी लेगी और उसका पेस्ट ठीक से नहीं बनेगा। अब इस दाल का पानी निकाल कर इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। ध्यान रहे, दाल पीसते हुए उसमें पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि 3 से 4 घंटे पानी में भीगने के बाद दाल में इतना पानी होगा कि वो मिक्सी में आसानी से पिस जाएगी। अब इसी तरीके से सारी दाल को मिक्सी में पीस लेंगे। दाल पीसने के बाद अब इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसमें हम इसको अच्छे से फेंट सकें। अब इस पीसी हुई दाल को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटेंगे जब तक कि उसका टेक्सचर स्मूथ ना हो जाए। पांच से दस मिनट इस तरह दाल को फेंटने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी ही कस्तूरी मेथी जो कि ऑप्शनल है, और एक अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन सबको डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो इस बैटर में बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आप दाल को फेंटना नहीं चाहते हैं और इसको थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 पैकेट इनो का भी डाल सकते हैं, जिससे कि इस पेस्ट में अच्छे से हवा भर जाएगी और पकौड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए, हमारा पकौड़े का बैटर तो तैयार हो चुका है, तो इनको तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। अब एक गहरी कढ़ाई में इतना तेल ले लें कि पकौड़े आसानी से डीप फ्राई हो जाएं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दें, क्योंकि हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। सभी पकौड़े एक साइज के हों, इसीलिए मैं स्पून का यूज कर रही हूँ। अगर आपको हाथ से अंदाजा है तो आप हाथ से भी पकौड़े बना सकते हैं। तो देखिए पकोड़े कितने गोल मटोल और फूले फूले से बन रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
बस अब इसको साइड में से हिलाते हुए इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए लग रहे हैं ना एकदम लाजवाब। तो बस इस तरीके से सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। अब इन पकोड़ों को और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। तो बस इसको 1 से 2 मिनट चलाते हुए दोबारा फ्राई कर लें, जिससे कि वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दाल का बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें मोटा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए आपके राम लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म राम लड्डू को किसी भी प्लेट में रखकर उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और मोटी कद्दूकस करी हुई मूली। और साथ ही डालेंगे हरे पुदीने की तीखी चटनी और इसके ऊपर थोड़ी सी मूली और डाल देंगे। अगर आपको धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो राम लड्डू तीखी पुदीने की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। और आप चाहें तो लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दें। तो लीजिए आपके गर्मा गर्म राम लड्डू तैयार हैं परोसने के लिए। जब भी बारिश आए या सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे तो राम लड्डू बनाना और हमें भी बताना कि राम लड्डू कैसे बने। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर पे ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि राम लड्डू कैसे बने। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।